नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा के मीडिया क्लब में। आज हमारे साथ हैं नवोदय टाइम्स के सीनियर क्राइम रिपोर्टर दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी, नमस्ते। नमस्कार सर। आजकल हमारे देश में एक नई अफवाह फैली हुई है बच्चा चोरी की, ये पूरा सर मामला क्या है? आप तो क्राइम की खबरें खूब लिखते हैं। बच्चा चोरी की अफवाह उसी तरीके से है जैसे कुछ साल पहले मुँह नुचवा आया था, करीब 15 साल पहले। तो इस तरीके की अफवाहें फैलती हैं, इनका ना कोई सिरपैर होता है। 5 राज्यों में हर 5 साल में इस तरीके की अफवाह फैलती हैं। अभी तक कहीं भी ये साबित नहीं हुआ है कि किसी का बच्चा चोरी हुआ। हर महीने 8 से 10 बच्चे ऑलरेडी अपने आप गायब होते हैं, उसको आधार बनाकर लोग परिवार वाले सब सहमे हुए हैं। इन अफवाहों ने और बल दे रखा जबकि इनमें कोई सत्यता नहीं है। सर पिछले साल एक ऐसी अफवाह आई थी महिलाओं की चोटी काटने वाली, क्या उसको जोड़कर देखते हैं इसको आप? हाँ, तो वही हमने कहा ना कि हर 2 साल में इस तरीके की अफवाह निकलकर सामने आती है। इस बार बच्चा चोरी की आई, हो सकता है 2 साल बाद कुछ और चीज़ निकल कर आए, पर इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। संयम रखिए और पुलिस अपना काम कर ही रही है, जिनको अफवाह फैला रहे उन्हें जेल भेज रही है। सर आजकल जो अखबार में भी ऐसी कुछ खबरें आई हैं कि वहाँ पर कोई बच्चा चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है, भीड़ ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, उस महिला को पकड़ लिया या उस भिखारी को पकड़ लिया, उसको खुद मारा पीटा। कई बार एक मामला ऐसा प्रकाश में आ चुका है हमारे उत्तर प्रदेश में ही, जहां एक युवक ने अपने ही चाचा की पीट पीट कर जान ले ली साथियों के साथ। यही दिक्कत है ना कि आज की डेट में आपका अपना बच्चा भी लेकर जा रहे हैं और बच्चा किसी कारण रोने लगे तो पब्लिक बिना सोचे समझे उसे पीटने लगती है। तो सर क्या लगता है आपको, क्या ये बच्चा चोरी के पीछे क्या मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ेंगी इससे? तो इससे मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ेंगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं सामने। इस पर हमें और आपको खुद संयम रखकर काम करना पड़ेगा। सर ये जो ऐसी घटनाएं हैं पूरे देश में फैल रही हैं, जो नॉर्थ इंडिया है, पहले ऐसी हम घटना सुनते थे झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, जो काफ़ी जो शिक्षा के मामले में पीछे हैं और जो विकासशील तो क्या वो काफ़ी गरीब प्रदेश माने जाते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं, जैसे कि बिहार में डायन के नाम पर मार दिया जाता है, क्या उसी का दूसरा रूप हो सकता है ये? जैसे चोटी वाला मामला आया था वो राजस्थान से शुरू हुआ था जी, इस बार बच्चा चोरी का मामला भी राजस्थान और यूपी पूर्वांचल से ही शुरू हुआ है ना। ये 1-2 महीने में इस तरीके की घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी लेकिन अपने आप शांत होंगी, इसके लिए हमें और आपको ही संयम करना पड़ेगा। अच्छा सर, जो सबसे बड़ा सवाल है आपसे, हमने और आपने देखा होगा कि जो ऐसी मुँह नोचवा वाली घटनाएं थी बंदर वाली, और फिर जो है एक काला बंदर आ गया था, फिर जो है चोटी काटने वाला मामला आया, और इस साल जो अब चल रहा है ये चल रहा है कि बच्चा चोरी अफवाह। ये जो ऐसी घटना है जहाँ तक मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, ये गर्मी का जो सीजन होता है ये इसमें ही क्यों आता है, कुछ किसी कोई खास वजह है क्या? अक्टूबर के बीच में इस तरीके की घटनाएं ही प्रकाश में हर बार आते हैं। ये सर इसका कुछ खास वजह है क्या? नहीं, अब यही तो समझना, इस पर शोध होना चाहिए कि आखिर ये शुरू कहाँ से होती है। हर 2 साल में इस तरीके की घटनाएँ आ रही हैं। सर ये जैसे कि आप कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएँ आती हैं तो किसको क्या लगता है, अशिक्षा माने इसको जाए या क्या पाखंड माने या क्या अंधविश्वास माने इसको? अंधविश्वास माने, और लोग आज की डेट में अपने बच्चे को लेकर बहुत ही कॉन्शियस हैं, उन्हें लगता है कि उनका बेटा नज़रों से ज़रा सा दूर हो तो घबरा जाते हैं। ऐसे में स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उनके खासकर मम्मी पापा दिन भर इन घटनाओं को लेकर और चिंतित हो रहे हैं। तो हमने जो देखा है इन घटनाओं में जो ऐसे प्रकाश में आ रहे हैं कि बच्चा चोरी करने जा, तो इनमें जो निशाना बनाए जा रहे हैं वो गरीब तबका है, जो गरीब मजदूर हैं, महिलाएं हैं या कोई भिखारी है, उनको ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? जबकि जो यदि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हम बात करें, जो बच्चा चोरी वाले गैंग होते हैं जो या बच्चों को इधर उधर करते हैं, वो अक्सर जो है उनके तार बहुत गहरे जुड़े होते हैं बड़े बड़े महानगरों से। अब क्या आपको नहीं लगता कि ये गरीब लोगों को सिर्फ निशाना बनाने की कोशिश है? नहीं, गरीब अभी पिछले दिनों थाना 24 नोएडा में एक विक्षिप्त महिला थी, उसे बच्चे छेड़ रहे थे, पागल पागल कह रहे थे, तो उसने एक बच्चे को खींच लिया, उस पर ही पब्लिक ने उसे मारना पीटना शुरू किया। पुलिस ने जाकर पूरी जांच की और फिर अब जाकर पता चला कि वो जो विक्षिप्त महिला
दूसरे ज़िले की थी, अब उसके परिजनों को दे दिया। तो इस तरीके से अभी दो दिन पहले एक्सप्रेसवे पे इस तरीके घटना हुई, आदमी ने कहा कि बच्चा उठा ले जा रहे थे, हमने रोका तो हमें बट से मारा, ऐसा कुछ निकला ही नहीं। मनगढ़ंत जिसको जैसा आ रहा है वो अपने हिसाब से एक परिकल्पना बनाकर कल्पनाओं में बह के इस तरीके की बातें कर रहा है। अच्छा सर, जो हमारे पास, जो हमारे देश में सबसे बड़ा हथियार है आम लोगों के पास, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन में भी सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, हमने किस कोई ऐसी घटना हमारे पास आई, सूचना आई, तो आम लोगों की जो है एक टेंडेंसी बन गई है कि वो तुरंत दूसरे को भेज देता है कि देखो मेरे पास ये आया, तुम भी देखो, तुम भी देखो, और वो चीज़ें बढ़ते 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 सैकड़ों लोगों के पास पहुँच जाती हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो मुँहनोचवा हैं या चोटी काटने वाली बातें हैं, या ये अब जैसे कि ये चल रहा है बच्चा चोरी की अफवाहें हैं, तो क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया भी इसमें इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है? सोशल मीडिया का उपयोग हमें अभी पूरी तरीके से करना आया ही नहीं है। हमें कोई मैसेज मिला बिना जानकारी किए उसको बस फॉरवर्ड लिख देंगे और आगे जरूर लिखेंगे, हाथ जोड़कर विनती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजें। जब इस तरीके के मैसेज आएँ तो आप समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं से प्री प्लान मैसेज भेजा जा रहा है। एक मैसेज 1,00,000 लोगों में 5 मिनट में भेज जाए, तो इसके लिए हमें और आपको सोशल मीडिया की पूरी जानकारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें लगता है कि जो हम जो हमारा एक हथियार होता है सोशल मीडिया, सूचना आदान प्रदान करने का, कहीं ना कहीं जो पढ़ा लिखा समाज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो भी इस अंधविश्वास को फैलाने में उनकी भी बहुत बड़ी भागीदारी है। बिल्कुल है, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने भेजा कि कोटा में इस तरीके का मामला हुआ है, देखो इधर नोएडा में तो नहीं हुआ। अब वो अंदर से अंदर घबराएगा, भले ही वो चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, जहाँ बच्चे की बात आती है चाहे जितना भी बुद्धिजीवी हो वो भी एक बार घबरा जाता है। मतलब बच्चों को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हम लोग। हाँ, यही कारण है कि इस बार जो बच्चा चोरी की अफवाह है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो सर, आप जैसे क्राइम के सीनियर रिपोर्टर हैं, आपने 10-20 साल से क्राइम की खबरें लिखते हैं, अब तक आपको इसमें जो पुलिस प्रशासन है, जो हमारे पुलिस अफसर होते हैं, वो क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो अफवाह है इसमें पुलिस कितना जो है इसको ख़त्म करने में, इस जो एक बीमारी फैल गई है सोशल मीडिया पर, अभी तक जो अफवाह बताई जा रही है, इसको पुलिस प्रशासन कैसे रोक सकता है, कैसे आम लोगों की सहायता कर सकता है? पुलिस ने तो अपनी तरफ से एडवाइजरी सभी मीडिया ग्रुपों को भी जारी की है कि आप सोशल मीडिया पर इस तरीके के जो भी अफवाहें हैं उन पर ध्यान ना दें, अगर कोई तथ्य है किसी में तो सूचना दें और उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन दिक्कत यही है कि अफवाहों का कोई सिरपैर नहीं होता, पुलिस उसमें कहाँ ढूंढे। पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, नोएडा में भी 5 लोग पकड़े गए, मेरठ में भी पकड़े गए, पूर्वांचल में भी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उनके पकड़ने से क्या होगा, अफवाहों को तो हम और आप ही मिलकर करेंगे। पुलिस वाले भी हमारी ही तरह सोच रखते हैं, कोई अलग से तो ला नहीं रहे, क्योंकि अफवाहों का तो कोई वो है नहीं कि अपराधी है तो जाके पकड़ लें, एक ने बाजार में फैलाई और वो कहाँ निकल गया पता ही नहीं। धन्यवाद दिनेश शर्मा जी, हम भी यही चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे आदमी हैं, सोशल मीडिया का यदि हम यूज कर रहे हैं तो उसका सही तरह से यूज करें, उसका सकारात्मक यूज करें, न कि कोई अफवाह फैलाएं, न कि किसी दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाएं। धन्यवाद।